मार्च 2014 के दौरान ठक्कर लिमिटेड ने एक मोटर प्लांट की 5,000 इकाइयां बनाई, तो लिखना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। माइक म्यूट कर लो किसी का। कौन एंटर किया है? अमन साहू माइक म्यूट करो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करो, फॉर द मंथ ऑफ मार्च लिखो। है ना, आउटपुट लिखो, कितना आउटपुट है। देखो क्वेश्चन में दिया होगा 5,000 यूनिट्स ऑफ मोटर पार्ट्स। पर्टिकुलर बनाओ, टोटल कॉस्ट। बुक में कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है तो आप लोग चीटिंग नहीं करना ना उसकी, आपको कॉस्ट पर यूनिट बनाना ही है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। देखो फर्स्ट क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर। देखो कितना है, 1,20,000, 1,80,000, फिर देखते जाओ कुछ है तो नहीं। फैक्ट्री रेंट नहीं आएगा, ऑफिस शोरूम पावर लाइट, देखो ये नॉन प्रोडक्टिव भी नहीं आएगा, ऑफिस का दिया है ये नॉन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं दिया है इसमें। ये देखो ये प्रत्यक्ष कारखाना वे, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेना, डायरेक्ट पूरा लेना एक साथ 40,000, तो टोटल करो कितना आ रहा है, ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया 3,40,000। ये हो गया प्राइम कॉस्ट मतलब मूल लागत, इसको डिवाइड करो, 3,40,000 को डिवाइड करो 50,000, 5,000 से। मैम 68 आ रहा है। 68 आ रहा है मैम। 68 रुपीज पर यूनिट, और ये पूरा किया 1,20,000 का को डिवाइड किया 5,000 से, कितना आया, ट्वेंटी फोर यस मैम, उस सेकंड वाले का 36 हाँ, और और 40,000 का 8 आया है। 8। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर वर्क ओवरहेड्स, है ना, ये ऐसे आएगा। देखो क्या दिया है, पहला यहां से देखते हो, फैक्ट्री रेंट लिखो, फिर पावर लिखो, लाइट। देखो अगर लाइट दिया है और पावर, तो पावर लिखना फैक्ट्री वाले में और लाइट लिखना ऑफिस में। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस यानी इनडायरेक्ट वेजेस, फिर क्या लोगे, ये मैनेजर का वेतन 2/3 लेना, सैलरी सैलरी कहाँ है बेटा, मैनेजर मैं मैनेजर सैलरी सैलरी, हाँ ये बोला ना, इसका 2/3 लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फिनेंशियल एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फिर क्या दिया है देखो, हॉलेज ये भी देना फैक्ट्री में, फिर क्या दिया है, ऑफिस सैलरी, सेल सैलरी, कैरेज आउटवर्ड ये देना, ये सेल्स में देना कैरेज आउटवर्ड, बाहर डिलीवरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट देना, क्रेन एक्सपेंसेस, ये ऑफिस सैलरीज वाला, ये कल मैंने बताया था ना, ये वाला फैक्ट्री में आता है, डिजाइन कार्यालय का वेतन। यस मैम। और ये लूज टूल्स, कैरेज
कैश डिस्काउंट भी नहीं आएगा, याद रखना, लिख लो कहीं पे कैश डिस्काउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं पे नहीं आएगा, एकदम काट दो इसको इसमें से, है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। नोटिंग में लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैश डिस्काउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। As they are financial expenses. हिंदी में क्या लिखते हो, financial को वित्तीय लिखते हो ना, तो लिखना पूंजी पर ब्याज एवं नकद छूट नहीं आएगा क्योंकि यह वित्तीय व्यय है। तो जल्दी जल्दी ऐड करो, फैक्ट्री रेंट लिखा कितना है 30,000, फिर आएगा पावर 15,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8,000। ये क्वेश्चन सब सिलेक्ट करके रखेंगे, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 50,000, मैनेजर सैलरी 2/3 लेनी है, कितने का है 2/3, 15,000 का 2/3 यानी 10,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1 मिनट, ये हॉलेज छूट गया है, हॉलेज लेते हैं पहले 1,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 25,000 लो, क्रेन एक्सपेंसेस 20,000, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरीज 8,000, गैस एंड वाटर 3,000, और फिर है लूज टूल्स 400। टोटल किया सबने, टोटल करो कितना आ रहा है, पूरे को टोटल कर दो ना, 3,40,000 को इन सब में। पांच लाख दस हजार 400 आ रहे हैं, yes, मैम आ रहे हैं, है ना, yes, ma'am. इसको डिवाइड करो 5,000 से, वन जीरो टू पॉइंट जीरो एट। बेटा तो आएगा क्योंकि वो 400 है। यस मैम, मैम इसमें 102.08, हाँ 102.08 आ रहा है। अब नेक्स्ट देखो, ये इसके जो भी ये पॉइंट्स छूटे हुए हैं ये सब फिल कर लेना। नेक्स्ट देखो, ये हो गया अपनी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट देखो, इसमें
किसी का आंसर आया फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड में? यस मैम आ गया. यस मैम आ गया. 22,400 आ रहा है. क्या क्या ऐड किया उसमें? ऑफिस रेंट, लाइट, लाइट, मैनेजर सैलरी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, काउंटिंग हाउस सैलरी, काउंटिंग हाउस सैलरी. ठीक, ये 6,000 यहाँ तक. इसका टोटल करोगे तो आएगा 5,92,000 और इसमें प्लस करने से 5,92,400 आ रहा है. सबका आ रहा है इतना? यस मैम. मैम और उसका कॉस्ट पर यूनिट 118.48 आ रहा है. 118.48 आ रहा है. ठीक है, इसके बाद क्या ऐड किया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. इसमें ऐड करो सबसे पहले एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस. ये देखो, ये 500 रुपये दिया है एस्टिमेट एक्सपेंसेस. ये यहाँ पे 500 रुपये दिया है. सबसे पहले एस्टिमेट ही ऐड करते हैं, ये सीक्वेंस होता है इसमें. फिर उसके बाद आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो आगे पीछे. शोरूम रेंट करो 40,000. ठीक है, शोरूम के बाद इसमें ऐड करो एडवर्टाइजमेंट का 50,000. एडवर्टाइजमेंट का 50,000 ऐड करो. किया ऐड? एडवर्टाइजमेंट का ऐड करो 50,000. सेल्स कमीशन करो 20,000. बैड डेब्ट्स करेंगे 9,000. सेल्स सैलरी करेंगे 60,000. कैरेज आउटवर्ड करो 10,000. उसके बाद यहाँ पे नोट कर रही हूँ मैं अलग से कैरेज आउटवर्ड. और डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस करो 15,000. तो टोटल करोगे तो 7,96,900 आ रहा है. ये देखो, ये एक्सपेंसेस टिक करते जा रही हूँ मैं. और इसके बाद ऐड करोगे प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स दिया है आप लोगों को क्वेश्चन में 8,50,000. तो इसको इससे माइनस कर देना तो आपका प्रॉफिट आएगा 53,100. उसमें ये समझो, उसने दिया है वर्क इन प्रोग्रेस दिया है. सपोज सिचुएशन समझो, 1 अप्रैल 2013 का. ठीक है, मतलब निर्माण कार्य. ठीक है, 1 अप्रैल 2013 का वर्क इन प्रोग्रेस दे रहा है. ठीक है, ये इसके अंदर ना दो पॉइंट दे रहा है. एक एट प्राइम कॉस्ट दे रहा है, ठीक, मतलब मूल लागत पर, और एक दे रहा है निर्माण व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. ये दे रहा है 25,500, ये दे रहा है 75,000. ये हो गया 33,000 टोटल. नेक्स्ट सिचुएशन इसमें देखो, देखो ये 1 अप्रैल 2013 का दिया था. अब फिर सेम वही सिचुएशन देखो, यही सेम 31 मार्च 2014 का दे रहा है. वही वर्क इन प्रोग्रेस दिया था 1 अप्रैल 2013 का, फिर से वर्क इन प्रोग्रेस दे रहा है 31 मार्च 2014 का. ठीक, इसके अंदर पहले दो था, अब फिर से वही एट प्राइम कॉस्ट मतलब मूल लागत पर दे रहा है 22,500, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब निर्माण व्यय दे रहा है 4,500. किसी का माइक म्यूट कर लो. वंदना,
इसका देखो टोटल दे रहा है 27,000। नेक्स्ट इसमें देखो कच्ची सामग्री का स्टॉक दे रहा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कब दे रहा है? 1 अप्रैल 2013 को। कितना दे रहा है ये? 1,12,500। फिर दे रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री का क्रय 2,38,500। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर मतलब प्रत्यक्ष श्रम दे रहा है 85,500। नेक्स्ट सीक्वेंस में देखो डायरेक्ट लेबर के बाद दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण व्यय 42,000, 42,000। फिर दे रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो फिर से कच्ची सामग्री का स्टॉक 31 मार्च 2014 को कितना? 1,02,000। अब देखो क्वेश्चन समझ में आया किसी को कि क्या हुआ था? बताओ कोई एक्सप्लेन करेगा क्या लिखा है मैंने इसमें? नहीं समझ में आया तो तुरंत बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। नहीं आ रहा है समझ में? देखो मेरा क्वेश्चन, इसमें क्या रिपीट करूंगी, क्वेश्चन को आप मेरे को बताओगे। देखो जब डेटा अपना फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है कि नहीं? तो 1 अप्रैल वाली जो भी डेट होगी, ये देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया है आपको, किसमें दिया है देखो, प्राइम कॉस्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया है देखो ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च दिया, इट मींस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। आ रहा है समझ में कैसे डिकोड करना है? अब देखो कच्ची सामग्री का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 2013 मतलब ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया है ना। सेम यहीं पे देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 2014 मतलब कच्ची सामग्री का स्टॉक 31 मार्च को, इट मींस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। ये आया समझ में? 1 अप्रैल वाला क्या हो जाएगा? ओपनिंग, और 31 वाला क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। अब देखो सबसे पहले किसको लेते हैं अपन? रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लोगे कितना? ये देखो 1,12,500। फिर क्या ऐड करने बोली थी? कल एक प्रोफॉर्मा दिखाई थी ना आप लोगों को, उसमें परचेज, ये देखो ये परचेज दिया है 2,38,500। फिर क्या ऐड करते हैं इसमें? इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 3,51,000। और इसमें क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कल छोटे छोटे प्रोफॉर्मा दिखाए थे ना मैंने आप लोगों को, 1,02,000, वही तो है सेम देखो। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा प्रयुक्त सामग्री, कौन सी? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उपयुक्त प्रयुक्त ये कंज्यूम्ड जो निकालते हैं, कितना आया? 2,49,000। जल्दी से नोट करो इसको, और फिर इसमें ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर। देखो कितना दिया था ये 85,500। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? अब देखो, अब ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ये प्राइम कॉस्ट का भी दिया है ना।